आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। ग्राम सभा भगवानपुर। काफी वर्षों से ग्राम सभा के लोगों को कुछ घर ऐसे हैं जिनको रहने के लिए घर नहीं है। ग्राम सभा में कुछ ऐसे परिवार हैं जिनके पास घर तो है, मकान नहीं है। सरकार बड़ी बड़ी दवा करती है पर ग्राम सभा भगवानपुर में नहीं, लोगों को शौचालय मिला नहीं। आवाज भरी बारिश में कई घर बारिश में गिर चुके पर अभी भी जिनके पास लाल कार्ड भी है पर उन्हें भी नहीं आवास मिला और न ही शौचालय मिल रहा। ग्रामवासी दर्द भरी बात किसे कहे, अभी भी लोगों के रहने के लिए छत नहीं है। आप देख सकते हैं ग्राम सभा के लोग कैसे निवास करते। अथक प्रयास के बाद वर्तमान प्रधान अभिनाथ यादव ने ग्राम सभा के लोगों को भरोसा दिलाया। जिनके पास आवास नहीं मिला है उनका नाम सूची में डाल दिया गया है। जिनको शौचालय नहीं मिला है उनको भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द जो लोग पात्र हैं उनको जैसे सूची में नाम आएगा दिलाने का कार्य करूंगा। वहीं पर लोगों से विकास के बारे में जानकारी लिया गया। ग्राम सभा के लोगों ने बताया कि जो नालियां को लेकर पानी निकासी नए हो रहा था, अब नाली बन जाने से लोगों को हमेशा से निजात मिला। जो कितने लोगों को आवास नहीं मिला है आप देख रहे हैं, यह जो मकान है यह काफी जो जर्जर है या जो कटरेन लगा हुआ है। आइए हम पहले जाने की कोशिश करते हैं। आपके पास लाल कार्ड है? लाल कार्ड है। राशन मिलता है? राशन मिलता है, वो 5 किलो कम हो जाता है। अच्छा, अब की 5 किलो कम हो जाता है। मगर आपको आवास क्यों नहीं मिला? क्यों नहीं मिला, अभी ये अभी जो चाल है। इसके पहले प्रधान कौन था? इसके पहले प्रधान मांगी थे, कभी दरवाजे नहीं, अगर कट मर जाए कभी हाल चाल न लेने वाला न देने वाला। अचार मतलब आवाज भी नहीं मिला, शौचालय भी नहीं मिला नहीं। और फिर 4-5 बार नाम लिख के लेकर के जाके फोटो खींच के लेकर के जाके उस लिए आदमी छांट के काट दिए न, किसी को 4-5 हम लोग को नहीं मिला है। हम लोग को बहुत बात है, मगर आप लोगों को शौचालय तक ले नहीं मिला है। नहीं मिला है। आप देख सकते हैं ग्राम सभा भगवानपुर है, चुका है और ये मकान जो है बारिश के कारण जो है पूरा गिर चुका है। भगवान इसमें कहाँ मौजूद हो? अपने घर पे। क्या समस्या है? ये मेरा घर है, हम लोग इसी में रहते थे और बारिश के कारण गिर चुका है। ये कब का गिरा है? 8-10 दिन हो गए बारिश हो गई।